अला वैकंठ पुदमलो 2020 में आई थी फिल्म, बहुत अच्छी चली थी, बहुत ही हाई फंड तो नहीं बट स्टिल लोगों को पसंद आई थी, फैमिली फिल्म थी तब्बू उस फिल्म में थी, और उस फिल्म में जो उनके डैडी थे यानी कि तब्बू के हस्बैंड का जिन्होंने रोल प्ले किया था वो इस फिल्म में भी नज़र आ रहे हैं इसको जो हिंदी रीमेक में। और इसके अलावा वहाँ पर अल्लू अर्जुन की जगह यहाँ पर शहजादा यानी कि यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हमारे कार्तिक आर्यन, और यहाँ पे वहाँ पे तब्बू थी तो यहाँ पे मनीषा कोइराला नज़र आ रही है, और वहाँ पे मुरली शर्मा की जगह यहाँ पर परेश रावल नज़र आ रहा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं बता क्या रहा हूँ। कहानी बिल्कुल ज्यों की तो है, आपने अगर ओरिजिनल देखी है कई बार तो आपको ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप फिर भी अपने हार्ड एंड मनी वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस फिल्म को देखिएगा। 10 फरवरी 2023 में आ रही है। मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ, ना ही मैं ये फिल्म देखने जाने वाला हूँ, ये मैं अभी से बोलना चाहता हूँ। मेरा कोई मन नहीं है, आखिर में मन चेंज हुआ कुछ हुआ तो अलग बात है। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट मनी ऑन दिस। अच्छी कोई फिल्म रहेगी जो रीमेक नहीं रहेगी उसको मैं देखूँगा। इस ट्रेलर का सिर्फ एक ही अच्छा डायलॉग था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जब तुमने जो जो मांगा तुम्हारी फैमिली ने उसे ज़्यादा दिया, दूध मांगा तुम्हें खीर दिया, वो भी एलमंड वाली यानी कि बादाम वाली। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हो क्योंकि मैं नेपोटिज्म का शिकार हूँ, जिस तरह से उन्होंने डायलॉग बोला यानी कहीं ना कहीं वो टोंट मार रहे हैं, और किसको टोंट मार रहे वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो काउच में बैठते हैं ना कॉफ़ी लेकर, अब इससे अब भी क्या बोलो। तो कुल मिलाकर बात यह है, एक और डायलॉग है जो ट्रेलर का आपको याद रहेगा, अरे ये तो आदत लिखा है, यानी कि राजामौली की गाड़ी तो नहीं है, रोल्स रॉयस थी एक्चुअली। तो ये भले ही बहुत ही अजीब व गरीब जोक था बट मुझे अच्छा लगा, क्रैक उन्होंने अच्छे से किया। सी अब मुझे कार्तिक आर्यन को लेकर कोई दो राय नहीं है, मैं हमेशा कार्तिक आर्यन को उनके टैलेंट के हिसाब से बहुत सपोर्ट करता हूँ, मानता हूँ, लेकिन उनकी जो पिछली फिल्म थी भूल भुलैया वो चली, उसके कुछ रीजंस थे, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म को जो है कि एक रीमेक है, ऑडियंस देखने क्यों आएगी थिएटर्स में, या ऑफकोर्स एक डाउट है मन में मेरे, और मैं खुद एक नेगेटिव माइंडसेट से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार मैंने फिल्म देखी ओरिजिनल और उसका फिर हिंदी डब भी देखा है। अब इतना देखने के बाद मैं वही फिल्म वही अलग अलग एक्टर्स के साथ वही सेम स्टोरी देखने का मेरा दिल नहीं कर रहा है। अब कुछ दृश्यम 2 मैंने देखा था, उसमें कुछ नयापन था, अलग था और अच्छी लगी थी, बट यहाँ पे मुझे देखने का मन नहीं कर रहा। नॉर्मली मैं फिल्म देखने के बाद कोई अपनी राय या ओपिनियन बनाता हूँ, तो शायद आप लोग कहोगे और उस वक्त कोई और फिल्म नहीं रहेगी अगर, तो मैं ज़रूर देखने की कोशिश करूँगा यही फिल्म एक बार, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए एक्साइटेड नहीं हूँ। ओवर द टॉप एक्शन है। आपको एक चीज़ बताऊँ, वरुण धवन के ही भाई रोहित धवन इस फिल्म को डायरेक्ट की है, और वरुण रोहित धवन की पहली जो फिल्म थी एक डिशुम, उसमें वरुण धवन को लिए थे यानी कि अपने ही भाई को, तो इस बार तो अपने भाई को भी नहीं लिया उन्होंने, यानी कि और उसके भाई जो काम करते यानी वरुण धवन का जिस तरह से रोल होता था वैसे ही यहाँ पे कार्तिक आर्यन ने वो रोल निभाया, यानी कि इस रोल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप वरुण धवन को ज़्यादा इमेजिन करोगे क्योंकि वो ज़्यादा इस तरह का रोल कर चुके हैं। वहीं कार्तिक आर्यन इस तरह का रोल मेरे को लगता है अभी तक नहीं किया, उनका रोल थोड़ा अलग होता था ऐसा वैसा, ये थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हो गया है, और ओवर वाले रोल वरुण धवन ज़्यादा कर देते थे, तो मुझे ये कार्तिक आर्यन से हज़म नहीं हो रहा है। कार्तिक आर्यन को मैं इतनी नसीहत देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा एक्टर हो, बहुत टैलेंटेड हो, मैं सिर्फ पैसा कमाने की चक्कर मत हो, अच्छी फिल्म चूज़ करो, बहुत आगे जाने वाले मेरी तरफ से इस ट्रेलर को, पता नहीं मैं किस हिसाब से दूँ, लेकिन सिर्फ जस्ट ट्रेलर बिना किसी कंपैरिजन के भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है मैं 2.5 स्टार दूंगा 5 में से। आपको ट्रेलर कैसा लगा जरूर बताएगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। लव यू ऑल दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।